गुड मॉर्निंग एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड टैरो डे। और आज हमने अपना डेक ओपन किया है आपके लिए। दीज आर द ज़ेन कार्ड्स, सो लेट्स चेक आउट कि हमारे कार्ड्स आपके लिए आज क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। आप लाइफ के किसी भी फेज में हो, पर्सनल या प्रोफेशनल, लेकिन गाइडेंस कहती है कि आपके लिए कंडीशनड होना कभी भी फेवर में नहीं रहता है। कंडीशन मीन्स जब हमारा पेरिफेरल एम्बियंस, हमारा एनवायरनमेंट, जब हमारा प्रेशर हमारे ऊपर एक कंडीशनड रिस्पांस का बर्डन देता है, यानी कि हम वैसा बिहेव करें जैसा लोग चाहते हैं, तो नॉट एट ऑल। यू जस्ट रोर लाइक अ लायन। आप जो अंदर से हैं, जो आपकी रियल एक सोच है, थॉट है, आप उसके साथ आगे बढ़ें और अपने एम्बियंस जो आपके ऊपर एक प्रेशर डाल रहा है उसको avoid kare, because this line inside you, because you are right, it's going to make you a winner. फिर आता है हमारा सेकंड कार्ड रिसेप्टिविटी का। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी थॉट को लेकर आगे चलना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम हमें जरूरी नहीं है कि हम दूसरे के बात को माने या दूसरे के बात को हम एक्सेप्ट करें। बट एट द सेम टाइम रिसेप्टिविटी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, यू कैन वेरी सटली इग्नोर देम, एंड एट द सेम टाइम आपकी बातों को एक वार्म रिसेप्शन मिलेगा। And don't pick up the fights, झगड़ा मत पिक करिएगा। न्यू विजन के साथ अगर आप लाइफ को देखेंगे तो यू विल फाइंड, यू नो, एक नया हराइजन, अ न्यू सन इज राइजिंग फॉर यू। आप एक नई ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। ब्रेक थ्रू, इनफ इज इनफ, जो हुआ सो हुआ, बट नाउ यू जस्ट ब्रेक ऑल द शैकल्स। जितनी भी दीवारें हैं, उलझने आपको रोक रही हैं, आप उनसे आगे बढ़िए। सक्सेस आपके साथ है। एंड ऑफ कोर्स द ब्यूटीफुल कार्ड ऑफ इनोसेंस। जब हम अपने इंटेंशंस को, अपनी नियत को नेक रखते हैं, साफ रखते हैं, तो प्रकृति किसी न किसी फॉर्म में आकर हमारी मदद जरूर करती है। और ये इनोसेंस का कार्ड है, दैट मीन्स द ब्लेसिंग्स ऑफ योर मेंटर्स, द ब्लेसिंग्स ऑफ योर गुरु, वो हर फॉर्म में आपके साथ है, नेचर आपके साथ है। यू नो, जिस इंसेक्ट को हम एक बहुत ही छोटा इंसेक्ट समझते हैं, लाइक अ ग्रास हॉपर, वो भी हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी का साइन लेकर आ रहा है। सो सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स, एंड नाउ आई विल डू क्विकली अ प्रेडिक्शन रीडिंग फॉर यू। Now let's check out कि आपके लिए कार्ड्स क्या प्रेडिक्ट करते हैं। Well, the first card that you've drawn is five of wands, यानी कि useless fights आपको बिल्कुल नहीं पिकअप करने हैं। हो सकता है कोई आपके माइंड के साथ खेलना चाहे, कोई आपको पुरानी बातें याद दिलाकर प्रवोक करना चाहे, तो कल की बातों के लिए आज का अपना पीस क्यों डिस्टर्ब करना। इसलिए अवॉइड सच पीपल, दीज आर द नेगेटिव पीपल। तो आप अपने आप को उस नेगेटिव जोन से दूर रखिए। जहां तक आपके पर्सनल रिश्तों की बात है, वो रिश्तों की बात है जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, आप जिनसे राज हैं अगर, सो जस्ट अवॉइड ऑल योर लाइक ईगो, वो जो फीलिंग जो आपको रोक रही है मिलने से, जस्ट गो अहेड, बिकॉज ये जो फेस था, द टाइम ऑफ टेस्टिंग द वाटर्स, जिसने आपके पेशेंस को बहुत ज्यादा टेस्ट किया, that phase is over and it's a card of kiss and patch up। तो आप जाएं और एक बहुत ही balanced relationship है ये। एंड देन वी कम टू द एस ऑफ वॉन्स। वैसे तो ये कार्ड प्रोफेशनल लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग्स, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, एक सक्सेस को प्रेडिक्ट करता है, बट आई फील हियर द वाइब दैट आई एम गेटिंग, इट्स ऑफ पर्सनल बॉन्ड। तो एक नई ऊर्जा के साथ आप अपने बॉन्ड्स में, अपने पर्सनल रिश्तों में आगे बढ़ रहे हैं, और इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर, सो यू जस्ट वैल्यू इट। उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं टू वन ऑफ द कार्ड दैट इज अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी, दैट्स अ कार्ड ऑफ द एम्परर। आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। कोई पर्सन है जो आपसे बड़े हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं अपने तरीके से, सो यू कैन ट्रस्ट दोज इंस्टिंक्ट्स। यू आर सर्विंग योर किंगडम, बिकॉज दैट इज द कार्ड ऑफ द थ्री ऑफ वॉन्स, एंड दिस इज क्लब्ड विद द फेरी कार्ड द व्हील, यानी कि एक लाइफ का फेज है जो ओवर हो गया है, एंड लेट्स मूव अहेड। लव इज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड, लव इज द हीलर, लव इज द मास्टर, एंड वैल्यू द सोर्स of energy, value this fantasy of pain, because only love can heal you and true love has entered your life. Moving on to my very final prediction, it is the world card, and the world card says a brilliant success is your way. Aap jo karna chahte hain, it's like duniya aapki mutthi mein hai. Well, the six of the springs is bringing wonderful news your way. It's like बहुत मेहनत की है आपने और आप
उसके फ्रूट्स आपको मिलने वाले हैं एंड टू ऑफ स्प्रिंग इज ऑल्सो ब्रिंगिंग द सेम मैसेज दैट द ब्राइट फ्यूचर यू नो इट्स वेटिंग फॉर यू एंड यू हैव वर्क हार्ड फॉर इट. Above all, the most beautiful thing in the whole of this prediction is peace, new beginnings, love, stability, the wheel of fortune, survey your kingdom, the world card, happiness, good news, success, public recognition, and the bright future that is manifested through your hard work. One more time, wish you all a very happy World Tarot Day.